क्योंकि हम अत्यंत व्यस्तता के बावजूद इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहां आकर हमारे भवनों का अंतिम मन्नत स्वीकार करने के लिए हाजिर हुए। अभी गुमला द्वारा हमने विषम की है, अतः जब कभी हमें विषम की जरूरत होती है और जब भी हम विषम से संस्कार अनुष्ठान हेतु आग्रह करते हैं वे कभी नहीं मिलते। मैं इस तथ्य को आप सबों के सामने दोहरा देना चाहता हूं कि विषम भीषण भरवा हमारे पूर्ण धर्म के लिए एक पिता की तरह है। जब भी हमें विषम की जरूरत होती है विषम भीषण की हमेशा क्योंकि इस पवित्र निष्ठा के अनुष्ठान से हमारे बहनों का अंतिम मन्नत स्वीकार करेंगे और ये हमेशा के लिए ईश्वर को समर्पित हो जाएंगी। इनके लिए प्रार्थना करने हेतु हमारे विषम आज हमारे अगुवाई करेंगे। सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, माता पिता, भाई बहनों, हमारे इन बहनों के रिश्तेदार, दूर दराज से आए मेहमान, मैं पूरे पूर्ण प्रांत की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आपके आने से हमें बेहद खुशी, आप सभी यहां आकर ईश्वर के प्रेम और विश्वास को मजबूत किया है। मैं बहनों के माता एवं रिश्तेदारों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने इन बहनों का पालन पोषण एवं इन्हें अच्छी शिक्षा दी है और गुमला प्रोविंस से काम करने के लिए भेजा है। मैं इन बहनों के शिक्षक, शिक्षिका और उपकारकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छी शिक्षा और अच्छे मार्गदर्शन द्वारा इनको यहां तक पहुंचाया है। आइए हम सब मिलकर हमारे इन बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ये अपनी बुलाहट में मजबूत एवं स्थिर रहकर ईश्वर की दानवारी में अच्छी तरह काम कर सकें और एक बार आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस समारोह में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर की इन्हीं अनुभूतियों को पाकर उनका भी दे आजीवन में स्त्री दुल्हन बने रहने के लिए लसित है। आज के इस दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनके जीवन में ईश्वर की आशीष निरंतर बरसता रहे और वे आजीवन प्रभु में संयुक्त रखकर कलीसिया को अपनी सेवा देने में आनंद और खुशी का अनुभव कर सके। पिता
Thank you.
Sister, I'm coming. Thank you.
हमारा स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बन जाता है।
कलिशिया के प्रारंभिक दौर से ही मरियम के गीत को अपना दिन स्वीकार करते थे और ना केवल उन्होंने गीत को स्वीकार किया लेकिन उस गीत को उन्होंने जिया जिससे वे यीशु में अपनी मूर्ति को अनुभव करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वही कहानियां करना हम सबका जीवन है और अपने अनुभवों को पुराने विधान की परिपूर्णता के रूप में देखती है अर्थात प्रभु ईश्वर ने किन परिस्थितियों में हमें बुलाया हमें चुना आज प्रभु आज हमें भेजने के लिए अपना अपने योग्य बनाते हैं। इसीलिए हमारी कोई क्षमता नहीं है हमारे कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन जो कुछ भी है हम प्रभु की कृपा से है। इसलिए प्रभु का जीवन ही हमारा जीवन हो और हम उसी के मुख्य कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकें। आज के समारोह में हमारी ये धर्मपत्नी अपने को दीन और निर्धन बनाकर ईश्वर के आशीर्वाद की अभिलाषी की। इसका अर्थ यह है कि हम सब कुछ में और सब में प्रभु की कृपाओं के लिए तरसते रहे कि प्रभु हमारी निर्धनता को हमारे अभाव को पूर्ण करें और निरंतर अपने योग्य बनाता रहे। जिस प्रभु ने आपको चुना बुलाया वह अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। Thank you.
Thank you.
जब हमने तेरे प्रेम की उपेक्षा की, तूने दया पूर्वक उन्हें धर्म के पद पर वापस बुलाया। जब वे तुझे फिर ढूंढने लगे तो पितृतुल्य प्रेम से प्रेरित होकर उनके साथ रहा, जब तक वे प्रतिज्ञा देश न पहुंचे। हे पिता, हम तुझसे सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे भाई यीशु मसीह के द्वारा हमें सत्य का ज्ञान प्रदान किया। धन्य कुमारी मरियम से जन्मे यीशु ने अपनी वृद्धि द्वारा तेरी प्रजा को पाप से मुक्त किया और पुनर्जीवित होकर उन्हें भावी महिमा की आशा दिलाई। महिमा के साथ तेरी दाहिनी ओर विराजमान होकर उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिनत शिष्यों का आह्वान करने के लिए भेजा, जिससे वे सुसमाचार के आदेशों के अनुसार तेरी महिमा और मानव जाति के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करें। यह उचित ही है कि आज यह भवन मधुर संगीत की नई लहर से गूंज उठा है, क्योंकि हमारी भक्तों ने तेरा आमंत्रण स्वीकार कर तेरी पुण्य सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। हे प्रभु, जिन सेविकाओं ने तेरे लिए अपना सर्वोत्सर्ग कर दिया है, उन पर अपने आत्मा के वरदानों की पेशगी कर। हे पिता, इनमें ख्रीस्त का दिव्य कामने चमक उठे, जैसे जो लोग इन्हें देखते हैं वे यह जान जाए कि प्रभु भी अपनी कलीसिया में विद्यमान है। हे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का यह वचन स्मरण करें। तुमने मेरे इन पीड़ित भाई बहनों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। ये जगत का घटना कर्म देखकर यह विश्वास करें कि तू अपने विधान के अनुसार सब कुछ संभालता है। ये अपने समर्पण जीवन द्वारा तेरे राज्य का आगमन बढ़ाए, जब तक ये स्वयं संतों की संगति में स्वर्गित भवन में ना पहुंचाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में सहायता देता है।
Say
Thank you.
Thank you.